हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो भी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। गदर देखो यार एक बारी जाके, आपको मजा आ जाएगा एकदम। मतलब आपको स्वाद जिसे कहते हैं ना एक्शन मूवी का, वो आपको मजा आ जाएगा। आपको एक्शन मूवी के अंदर सिर्फ एक्शन नहीं देखना होता, इमोशन देखना होता है। और वो जो इंसान जो पंचेज मार रहा होता है ना, और उसके बाद जो अगले इंसान को जो हिला देता है पकड़ के सिर्फ डायलॉग से, अपने मतलब जिसे कहते हैं ना खूंखारपन से, वो असली मूवी। और मैं सनी बाजी का इसलिए भी फैन हो गया हूँ क्योंकि जब मैं दोबारा देख रहा था तो मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस करी। इस आदमी की आवाज के अंदर बहुत इनोसेंस भी है जब ये नाम ले रहे होते हैं अपनी पत्नी जी का, और उसके बाद अचानक से खूंखार भी बन जाते हैं, लो बन गई अब सिकनी, और उसके बाद अचरा वाली। अब अचानक से जो मॉड्यूलेशन है एक साफ दिल के इंसान का, और अचानक से ऐसे दिल के इंसान का जो कि एक टाइगर दिल है और जिसको भी मतलब पेल देगा पकड़ के, जैसे टाइगर भी नहीं साला लायन है, तो जबरदस्त। और एकदम हाई ऑक्टेन है आपके, मतलब 2 मिनट के लिए तो अगर बाहर आते हो ना जब एकदम आप, तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि यार ये हीरो अभी तक कहाँ था, क्योंकि 2000 मेरे ख्याल से 1 या 2 के बाद इनकी इंडिपेंडेंटली कोई भी बड़ी मूवी हिट नहीं हुई है। उसके बाद छोटी मोटी इधर उधर कुछ चल गया, अपने चल गया, इधर उधर कुछ चल गया, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंटली नहीं चला। और आपको लगता है कि इतना बड़ा स्टार किसे वेस्ट कर दिया है यार, पर वॉट अ टैलेंट, किसी की भी पतलून गीली कर दे यार ये खड़ा खड़ा है इंसान। और गदर 2 जब आएगी, अभी इसका टीजर यहां पर अभी रिलीज नहीं हुआ है मूवी के साथ, लेकिन जब आएगा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इसी कंटिन्यूएशन में कुछ भी हो गया और उसका टेक्सचर इसी तरीके का हो गया, दैट विल डू वंडर्स। बट यहां पर कुछ सिग्निफिकेंट चीजें मैं आपके लिए बात कर लेता हूं। जो 4K का जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जो डॉल्बी साउंड का ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल खरा उतरता है। आपके जो ब्लरनेस होती है, जो हम टीवी में इतनी बार गदर देखी है, लेकिन जो हल्की सी ब्लरनेस आती है, पिक्सेलेटेड सा लगता है, वो यहां पर नहीं लगा है। कोई नए सीन ऐड नहीं हुए हैं, अगर कोई आपको बताए कि नए सीन ऐड हो गए, सेम एग्जैक्टली वही मूवी है जो आपने अपने घर में 500 बार देख रही होगी, लेकिन 51 बार जब देखोगे तो एकदम शगुन हो जाएगा, मजा आएगा आपको एकदम। दूसरी चीज जो मैंने नोटिसेबल करी कि जो इसका एक्शन है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके का रखा गया है। आज के जमाने के अंदर हम बहुत रोप्स ये वो तामझाम रखते हैं, यहां पर जो हीरो है वो अपने बलबूते पे क्या डिलीवर कर सकता है, मसल पावर से, अपनी ताकत से, अपने जज्बात से। स्पेसिफिकली एक सीन है जिसके अंदर मुझे वो सीन अभी भी याद आ रहा है, दिमाग के सामने चल रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल ही मतलब चेहरे पे ना जैसे बहुत अब जोर दे रहे हो तो चेहरा फूल जाता है ना, तो एक लैडर से रोकते हुए काफी सारे लोग हैं जो तारा के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपनी सिकनी को बचाना है, तो वो पूरा उनको 6-7 जनों को इकट्ठे रोक लेता है। जब रोक लेता है तो ताकत लग रही होती है और उसका जज्बा इतना ज्यादा है कि मुंह पूरा फूल जाता है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा। बहुत एफिशिएंटली इसको शूट किया गया, यही तरीके का रॉ रगेड एक्शन अपने को देखने का है गदर 2 के अंदर भी। मेरे ख्याल से भी थोड़ी देर के अंदर वो कहीं ना कहीं टीजर रिलीज हो जाएगा, और जब ये रिलीज होगा तो फिर उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।